हेलो एवरीवन, आज है 12 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। 24 रुपए का शेयर है, कल हल्की सी गिरावट यहाँ पर जरूर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो अच्छा खासा मूव इस कंपनी ने दिखाया भी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 24 रुपए का ये शेयर क्या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 24 रुपए का शेयर, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 6.5% का ग्रोथ है, 6.5% का ग्रोथ। यहाँ पर आप देखिए 22 रुपए के करीब शेयर था, अच्छी खासी तेजी बनी, 24.75 रुपए तक पहुंचा, और अभी अगर आप 6.5% एक महीने में इसने बनाकर दिए हैं, ठीक है। अगर हम इसको बैंक एफडी से कंपेयर करें तो बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट है वहां पर आपको सालाना 1 साल का 6% का ब्याज मिलता है। मतलब अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो साल भर में वो मुश्किल से 10,600 रुपए के आसपास बनते हैं। और दूसरी तरफ मार्केट में बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो साल में आपको 2 गुना पैसा बनाकर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो एटलीस्ट गारंटेड है कि हाँ 15 से 20% का तो पैसा बनेगा, और ये उनमें से एक शेयर है, ठीक है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 24 रुपए का शेयर है, ठीक है। अगर ये 27-28 रुपए तक भी पहुंच जाता है ना, तो भी इसने आपको बैंक एफडी से 2 गुना पैसा बना दिया है, ठीक है। अगर ये 2 रुपए 4 रुपए तक बढ़ जाता है, ठीक है, 24 जैसे कि 20 रुपए का शेयर है, ठीक है, अगर वो 2 रुपए भी बढ़ जाता है तो मतलब 10% का रिटर्न दे दिया उसने, ठीक है। 24 रुपए का शेयर है, 2.5% भी अगर ये बढ़ जाता है मतलब 10% का रिटर्न दे दिया इसने ऑलरेडी, जो अगर देखा जाए तो बैंक एफडी से कई ज्यादा गुना है, और मतलब कई ज्यादा बड़ा है 10-12% का रिटर्न। और जो आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी भी जो अगर आप कराते हो तो वहां पर भी आपको सालाना 10 से 12% या 15% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो अगर ये शेयर साल में 27-28-29 तक भी पहुंच जाता है एक साल में, तो भी इसने आपको बैंक एफडी म्यूचुअल फंड से कई ज्यादा बड़ा रिटर्न दे दिया, ये आप मान के चल सकते हैं, और ये गारंटीड है कि हाँ बढ़ ही जाएगा, ठीक है। ये बात तो है, लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी यहाँ पर, कि ये वो शेयर है जो बहुत ही स्लो मूव करेगा। देखिए नीचे के 26 रुपए से कल लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा था, 20 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अभी ऊपर जाने के चांसेस और ज्यादा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग अनलॉक के फेज में आ रहे हैं। अब रेलवे को दोबारा एक बड़े फुल फ्लेज पर चलाने का काम काज शुरू हो रहा है, और रेलवे से जुड़ा हुआ ये शेयर है, रेलवे को फिनांस करने वाला ये शेयर है, रेलवे पर इसकी ग्रोथ डिपेंडेंट है, रेलवे को आने वाले समय में और अत्याधुनिक बनाया जाएगा, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में ऐसे छोटे शेयर्स बड़ा धमाका कर सकते हैं। 1.7 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड हो भी रही है यहाँ पर। 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर कौन है, सरकार है, यहाँ पर सरकार प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और अगले साल इसका एफपीओ भी आ सकता है, जहां पे सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी, 75% तक लेकर आएगी, जो सेबी का रूल है। इस साल नहीं होगा, अगले साल होने वाला है, तो अभी से इसके बारे में बात नहीं करते हैं। एफआईएस के पास 1.44% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3.02% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.18% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखें तो 10% का डिविडेंड भी पे करता है, ठीक है, आपको 1.05 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे कर दिया है, तो अच्छा डिविडेंड भी पेइंग शेयर है ये। मतलब ये है कि भैया अगर ये साल भर में अगर बढ़ जाता है, ठीक है, 2-3 रुपए अगर ये बढ़ भी जाता है तो भी आपको इन्होंने एफडी से तो बेहतर रिटर्न दे दिया, म्यूचुअल फंड के आसपास का रिटर्न दे दिया, और डिविडेंड आपको बोनस में मिल गया यहाँ पर। तो रिटर्न अगर हम देखें तो आराम से ये वो शेयर, इसमें दमखम है 20 से 25% के रिटर्न का, ठीक है, मिनिमम, मैं यहाँ पर मिनिमम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिनिमम इतना रिटर्न देने का दमखम है यहाँ पर। अगर हम देखें टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, शानदार है, तेजी के संकेत है। एक और चीज देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 58% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 31% लोग होल्ड करने की, 11% लोग बेचने की, मतलब 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। रेवेन्यू आप देखिए किस तरीके से बढ़े हैं, रेवेन्यू देखिए आप यहाँ पर 7,500 करोड़ की रेवेन्यू आज 13,000 से 14,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, सालाना रेवेन्यू में हमेशा इंक्रीज आया है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी सालाना प्रॉफिट में लगातार इनका इंक्रीज ही हुआ है। 2016 में जहां 850 करोड़ के प्रॉफिट थे, आज वो 3,700 करोड़ के प्रॉफिट बन चुके हैं।
तो प्रॉफिट में लगातार तेजी है, रेवेन्यू में लगातार तेजी है, और धीरे धीरे हम लोग अनलॉक के फेज में आ रहे हैं। रेलवे को दोबारा फुल फ्लेज में चलाया जाएगा। रेलवे की ग्रोथ के ऊपर इस कंपनी की भी ग्रोथ डिपेंडेंट है। बस सर, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जब लोग देखते हैं यहाँ 5 5 पैसा ऊपर जा रहा है, 10 पैसा नीचे आ रहा है, फिर वापस 20 25 पैसा ऊपर जा रहा है, तो लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं। साल भर में अगर उनको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता ना, जैसे कि एक महीने में इसने रिटर्न दिया है 6.5% का, ठीक है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को ये रिटर्न भी कम पड़ रहा होगा। उनको लग रहा होगा यार ये कम है, बाकी शेयर देखो 10 15 20 25% का रिटर्न दे रहे हैं। तो मैं एक चीज कहूंगा कि बाकी जो शेयर में रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पर रिस्क उतना ज्यादा इन्वॉल्व भी है, ठीक है, जबकि ये वो शेयर है जहां पर रिस्क बहुत ही कम है और वहां पर ये बात गारंटीड है कि हाँ बढ़ जाएंगे ये शेयर। तो IRFC मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक शेयर है उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं और जो लोगों में पेशेंस है लंबे समय तक रुकने का। अगर आप शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो भैया डेफिनेटली थोड़ी बहुत आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओगे अगर महीने 2 महीने तक शेयर नहीं बढ़ेगा तो, या फिर उसी रेंज में घूमता रहेगा तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे यहाँ पर, क्योंकि एक आपको अच्छा डिविडेंड मिल ही जाएगा यहाँ पर, पहली चीज। दूसरी, आप खुद सोचिए अगर 3 रुपए भी ये बढ़ जाता है तो आपका जो रिटर्न है ना वो म्यूचुअल फंड और SIP से भी ज्यादा का हो गया यहाँ पर। तो ये चीज भी यहाँ पर है। तो और जाहिर सी बात है धीरे धीरे अनलॉक की थीम प्ले हो रही है, बढ़ तो जाएगा ये, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी, जैसे जैसे न्यूज आएगी कि हाँ भैया अब ये ट्रेंड शुरू हो रही है, अब ये शुरू हो रहा है, अब वो शुरू हो रहा है, दौड़ना शुरू करेगा ये शेयर पे। नजर रखिए, रेलवे को आने वाले समय में और अत्याधुनिक बनाया जाएगा, और ऐसे में जो रेलवे शहर है, छोटे छोटे रेलवे शहर, इसमें IRFC भी है, एक और रेल विकास निगम भी है, ये भी बिल्कुल इसी का बड़ा भाई है, ये आप कह के चल सकते हो, और दोनों के प्राइस चार्ट इसी तरीके से आपको नजर आएंगे आने वाले समय में। बहुत ही स्लो मूव करेंगे लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी तेजी जरूर दिखा देंगे ये। तो यही कहूंगा, IRFC हो या फिर रेल विकास निगम हो, लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म में पता चला कि 1 महीने बाद भी इसी प्राइस के आसपास घूम रहे हैं शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म 1 साल बाद डेफिनेटली एक अच्छे खासी रेंज में ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लॉन्ग टर्म का शेयर है, और जाहिर सी बात है आपको बैंक FD और म्यूचुअल फंड या फिर SIP से तो ज्यादा रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। तो खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं, और टुकड़ों में खरीदारी करें तो और ज्यादा बेहतर होगा, ताकि 1 2 रुपए की गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर पाए। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 शेयर खरीद सकते हैं इस लेवल पर, 1 रुपए नीचे जाए तो और 300 शेयर की क्वांटिटी ऐड करिए, 1 रुपए और नीचे जाए तो और क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हैं, और कम से कम 2 3 साल का लक्ष्य लेके चलिए। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रेवेन्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, शेयर के प्राइस में भी अच्छी खासी रफ्तार आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।